जिसका मान है नमाज, ये एक श्रद्धा है जिसे तू गिरा समझता है, हजार संतोष देता है आदमी को याद। तो इस्लाम में ईमान के बाद सबसे अहम फरीजा नमाज किया जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में 80 से 100 मकामात पर इशारा फरमाया, अकीमुस सलाता, यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, रहीम है, अजीज और मेहरबान है। जी हाँ हाजिर महफिल, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही कि ये बंदे कहीं इस फरीज से गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान अल्लाह के मजदूम है। नमाज के बगैर नहीं तो ईमान मजदूम और ना ही इस्लाम का। अल्लाह की इजाजत का सब नमाज, ईमान का चुस्त नमाज, बदन की राहत नमाज, अम्बे सलाम की सुन्नत नमाज और फरिश्तों का महबूब अमल नमाज। कर्ज ये कि दी मोमिन की मिराज है, दीन का सुकून है, अब चेहरे का नूर है। बेशक नमाजी कब्र में चिराग है, मुस्किन नदीर के सवाल का जवाब है, तो फिर तुम नमाज कायम करो कि कहीं तुम्हारा हश्र भी नमून, फिरौन, हारून और हमान जैसे बदबख्तों से आना हो, तो फिर तुम नमाज कायम करो। सजदा है इश्क हो तो इबादत का मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसात करती है। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ है कि हम सबको नमाजों और सजदों के जरिए रुजू करने वालों में शामिल फरमा दे। आमीन। तो फिर तो नमाज कायम करो।